अस्सलाम वालेकुम, साइमा किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं हैदराबादी चिकन खुरमा बना रही हूँ। इसके लिए 1 kg चिकन लेकर हूँ, 250 ग्राम पटाटो लेकर हूँ, ये कोथिमीर है, प्याज, जिंजर, गार्लिक, हरिया धनिया, ये से आनियन, जिंजर, गार्लिक, इसे फ्राई कर रही हूँ ऑयल डालकर। ये बादाम भिगोकर 10 से 20 बादाम है, इसके छिलके उतार कर इसे भी फ्राई कर रहे हैं। ये खसखस है, ये 2 स्पून खसखस लेकर इसे भी खसखस ऐड कर रही हूँ। एक स्पून मगज के बीन्स डाल रही हूँ, 1 से 1.5 स्पून मगज के बीन्स डाल रही हूँ, ये भी फ्राई कर लेंगे। लास्ट में इसमें 1 कटोरी छोटी कच्चा नारियल ऐड कर रही हूँ, ये डालकर मिक्स करके ये ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लेंगे। ये जायर में डाल कर चुकी हूँ, इसे ग्राइंड करना है। ये ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड करूँगी। इसका नेक्स्ट प्रोसेस आपको बता रही हूँ। इसमें आयल ऐड कर डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के अनुसार आयल डालें। इसमें आनियन डाल रही हूँ, इसलिए मैं डाल रही हूँ, 2 से 3 लौंग डाल रही हूँ, 2 इलायची, हरी इलायची डाल रही हूँ, ब्राउन कलर आने तक रोस्ट करेंगे। इसमें टेस्ट के अनुसार चिल्ली पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, थोड़ी हल्दी ऐड कर रही हूँ। ऐड करके मिक्स करके इसमें पटाटो ऐड करूँगी। ये 3 टमाटर कट के हैं, इसे मिक्स कर रही हूँ, और भी पटाटो के साथ हाफ बॉईल होने तक इसे मिक्स कर रही हूँ। टमाटो सॉफ्ट होने पर मैं इसमें चिकन मिक्स करूँगी। इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, अपने टेस्ट के अनुसार सॉल्ट डालें। अब इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ, मिक्स करके इसमें वाटर ऐड कर रही हूँ थोड़ा। ये बॉईल होने बाद मसाला, ग्राइंड किया हुआ मसाला ऐड करेंगे। ये ग्राइंड होकर है, अब इसमें ये मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। डालकर ये मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा टेस्ट के वास्ते ये दही ऐड कर रही हूँ। इसमें लेमन ऐड कर रही हूँ। अब इसे 5 मिनट्स तक पकने देंगे। डिशर्ट होकर है, इस तरीके से बनाकर देखें। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।